आइए आप सभी का स्वागत है देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। तो मैं सबके लिए यहाँ पे ग्रेनी स्क्वायर यहाँ पे एक बैग लेके आई हूँ पोटली बैग, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पे ब्लैक और ऑरेंज ले रही हूँ, जो आपको पसंद आप उस कलर से इसे बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने दोनों 4-ply ऊन का यूज़ किया हुआ है। अब क्रोसे नंबर यहाँ जो यूज़ कर रही हूँ मैं, यहाँ पे 3.5 mm क्रोसे है। अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑरेंज कलर लेंगे, दोनों उंगलियों के बीच में हम धागे को इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे पकड़ा। इसके बाद इस धागे को इस तरह से क्रॉस करते हुए धागे को पीछे लेके चले जाएंगे। अब ये जो हमने धागा बाद में घुमाया, अब इस धागे के अंदर से क्रोशिया को डालेंगे और पिछले वाला धागा खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे और यहाँ पे धागे को पकड़े हुए रखना है आपको। चेन बनाएंगे हम एक और ये दो, दो चेन को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, इस धागे को हल्का सा छोटा कर लेते ताकि बनाने में आसानी हो, ठीक है। दो चेन को काउंट नहीं करेंगे। अब इस रिंग के अंदर डालते हुए हमें डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, इस तरह से करते हुए टोटल हमें 12 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। 12 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे हम, तो चलिए 12 डबल क्रोशिया कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे 12 डबल क्रोशिया बन के कम्प्लीट हो गई, यानी कि 12 डबल क्रोशिया। अभी इस धागे को ऊपर करके हमें खींचना है इस तरह से और इसे गोलाई बना लेना है, ठीक है। अब जो पहला डबल क्रोशिया आएगी, इसमें जो चेन दिख रही है ऊपर वाली, इसे में हमें ज्वाइंट करना है। ये दो चेन को हमें छोड़ देना है। पहला डबल क्रोशिया के ऊपर में जो चेन होगी उसे में हमें इस तरह से स्लिप करते हुए ज्वाइंट कर लेना है। अब लेंगे एक और ये दो चेन, फिर से हम इस दो चेन को काउंट नहीं करेंगे। क्रोशिया पर धागा लेंगे, इसी जगह पर डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया होगी, सेम इसी जगह पे फिर से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे, यानी कि इस पूरे जितनी भी राउंड है सभी में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें कंप्लीट करना है। टू टू डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सेकंड राउंड में हमें 24 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। तो 24 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे हमारी सेकंड राउंड कंप्लीट हो गई है, 24 डबल क्रोशिया बनाते हैं हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया दिख रही है ऊपर में, इस चेन में जाएंगे, स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। अब एक चेन बनाते हुए इस जगह पे लेंगे और यहाँ पे हम एक चेन और लेंगे, सॉरी एक ही चेन लेंगे और इस जगह पे डालेंगे और हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो फंदे क्रोशे पे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, इस तरह से लिए, अब इसे टाइट कर लेंगे, सॉरी ऐसे नहीं करना है आपको। तीसरे राउंड पे देखिए हम दो चेन लेंगे, ठीक है। दो चेन को हम यहाँ पे डबल क्रोशे में काउंट करेंगे, क्रोशे पे धागा लेंगे, इस जगह पे एक ही चेन में से हम डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। क्रोशे पे रखते गए, फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, यानी कि एक ही चेन में से आपको तीन डबल क्रोशिया बनाना है। इन तीनों को एक साथ निकालेंगे, इसके बाद यहाँ पे एक दो और ये तीन, तीन चेन बनाने के बाद फिर से क्रोशिया पे धागा लेंगे। एक चेन छोड़ना है आपको, यानी एक चेन स्किप करना है, नेक्स्ट वाले चेन पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकालना है हमें। बंद करते हुए तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन, पूरे में इसी तरह से बनाते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। फिर एक चेन छोड़ना है, अगले वाले में बना लेते हैं। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। ये राउंड हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे लेंगे, ठीक है, यहाँ जो चेन दिख रही है इस चेन में डालते हुए स्लिप करते हुए हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद लेंगे एक चेन, क्रोशिया पे धागा लेंगे, इसी जगह पे डालते हुए हमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया, दो फंदा क्रोशिया पे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, ऐसे लिए इस धागे को ऑरेंज को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, साथ में ब्लैक को भी लेके चलेंगे ऐसे लिए। अब जो हमने
तीन चेन का जो स्पेस बनाया था इस जगह पे डालेंगे, और हमें डबल क्रोशे यहाँ पे बनाना है, एक डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे, यानी यहाँ पे हमने तीन डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे बना लिए। लास्ट वाले को कंप्लीट नहीं बनाना है, दो यहाँ पे हम चेन छोड़ देंगे, ठीक है। अब इस धागे को इधर करेंगे पीछे, अब ये ऑरेंज कलर का धागा हम इस तरह से उठा लेंगे, इसे यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद इस धागे को भी साथ में लेके चलना है, क्रोशे पे धागा लेंगे। अब जो हमारा ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इस डिज़ाइन के पास, यहाँ पे जो चेन दिख रही है ऊपर में, इस जगह पे हमें डबल क्रोशे बनाना है, लेकिन डबल क्रोशे को कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कलर चेंज करना होता है। अब इस ऑरेंज को छोड़ेंगे और ब्लैक को पकड़ लेंगे, इस तरह से इसे बांधा हमने, ज्वाइंट किया। अब ऑरेंज को इस जगह पे रखेंगे, क्रोशे पे धागा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो गैप दिख रही है तीन चेन की, इस जगह पे हम डालेंगे और तीन डबल क्रोशे बनाएंगे। दो को हम पूरा बनाएंगे, तीसरे में हम पूरा नहीं बनाएंगे, ठीक है। दो डबल क्रोशे हो गए, अब तीसरा डबल क्रोशे इस तरह से हमने बनाया और दो चेन क्रोशे पे ही छोड़ दिया। अब इस धागे को इधर छोड़ेंगे, फिर से ऑरेंज पकड़ लेंगे, ऐसे ऑरेंज पकड़ा, क्रोशे पे धागा लेंगे। अब जो यहाँ पे देखिए ये हमारी जो डिज़ाइन बनी हुई है गली, इसके बीच में डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ये भी पूरा कंप्लीट नहीं बनाएंगे। धागे को यहाँ छोड़ेंगे और यहाँ पे ले लेंगे हम ब्लैक इस तरह से, ठीक है। क्रोशे पे धागा लिया, अब इसके बीच में तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशिया और तीसरा को अधूरा बनाना है आपको इस तरह से, क्योंकि हमें कलर चेंज करना है। इस तरह से ऐसे लिया और कलर चेंज कर लिए, यहाँ पे डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से पूरा राउंड करते हुए यहाँ पे आके, जब ब्लैक कलर को जब हम यहाँ पे आके बनाएंगे तीसरा, तो उसे पूरा बना लेना आपको, ठीक है। पूरा डबल क्रोशिया बनाएंगे तीनों, जैसे यहाँ पे दो पूरा बना रहे अरे एक अधूरा, तो यहाँ पे आपको तीनों पूरा बनाना है डबल क्रोशे ब्लैक वाली। तो कुछ इस तरह से बनी हुई है, और इस धागे को हमने यहाँ पे कट कर दिया हुआ, दो डबल क्रोशे यहाँ पे बनाया, एक डबल क्रोशे और यहाँ पे हम बना लेंगे, यानी कि इस डबल क्रोशे का आपको पूरा बना लेना है। अब जो ये ऑरेंज बना है इस जगह पे हम इस तरह से लेंगे और इसे स्लिप करते हुए हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से ये बन गई। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से बनेगी। अब इसे ये हमारी गोल है, ठीक है, गोलाई में बनी हुई। अब इसे हमें चकोर बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे देखिए। सबसे पहले तो एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर डालते हुए हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सिंगल क्रोशिया, दूसरे नंबर चेन पे जाएंगे, यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, उसकी अगली वाली चेन पे एक हाफ डबल क्रोशिया, यानी दो हाफ डबल क्रोशिया बनाए, एक सिंगल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया, क्रोशिया पे धागा लेंगे, उसकी अगली वाली चेन पे डबल क्रोशिया, फिर से उसकी अगली वाली चेन पे डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, अब दो बार धागा लेंगे। अब यहाँ पे एक दो तीन ब्लैक है, तो फर्स्ट वाली जो चेन है हमारी, यहाँ पे हम एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे नंबर वाले पे हम यहाँ पे हम बनाएंगे, देखिए एक बार बनाएंगे यहाँ ट्रिपल क्रोशिया, फिर इस जगह पे एक बार और बनाएंगे, ठीक है, यानी दूसरे नंबर चेन पे दो बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम, चेन बनाएंगे एक दो और ये तीन, तीन चेन बनाने के बाद क्रोशिया पे धागा लेंगे, दो बार लेंगे, ठीक है। जिस चेन पे हमने दो बार बनाया ट्रिपल क्रोशे, इसी पे हमें दो बार और बनाना है, एक और ये दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक हमारी और बच गई है, तीन डबल क्रोशे में से हमने बनाया, तीन डबल क्रोशे में से सबसे पहले वाले में एक ट्रिपल क्रोशे बनाई, दूसरे नंबर पे हमने दो ट्रिपल क्रोशे बनाई, फिर तीन चेन, फिर उसी चेन पे दो बार और ट्रिपल क्रोशे बना ली, तो एक चेन और बच गई है, इसमें हमें एक बार और बना लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे उसके अगली वाले पे डबल क्रोशे बनाएंगे। अब घटते हुए जाएंगे हम, इधर से घटते हुए बढ़ते में आए, अब बढ़ते हुए घटते पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाया, उसकी अगली वाली चेन पे फिर से एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे हो गई। अब यहाँ पे दो हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशे और उसकी अगली वाली चेन पे
एक हाफ डबल क्रोशे और दो हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब देखिए ऑरेंज वाली आ गई, यहाँ पे हम सॉरी सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशे, ठीक है, एक कोना हमारा यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बना लिया। अब यहाँ पे घटते हुए बढ़ते क्रम में जाएंगे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे की, अब क्रोशे पे धागा लेंगे, अब दो हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया उसकी अगली वाली चेन पे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया हो गई, क्रोशे पे धागा लिया, अब दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, अब उसकी अगली वाली चेन पे भी एक डबल क्रोशिया, ठीक है, दो डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे तीन चेन है, ठीक है, तीन डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार धागा लिया हो गया, क्रोशे पे दो बार धागा लेंगे। अब जो बीच वाला डबल क्रोशे है यहाँ पे आपको चार बार ट्रिपल क्रोशे बनाना है, पहले दो बना लेते हैं, एक बनाया, फिर इसी जगह पे एक और बनाएंगे हम, दो ट्रिपल क्रोशे हो गई, एक दो और ये तीन चेन बनाया, ठीक है, क्रोशे पे दो बार धागा लेंगे, सेम उसी चेन पे दो बार बना लेंगे और ट्रिपल क्रोशे, एक बार और बना लेंगे इसी चेन पे, तो यहाँ पे दो चेन हो गई, एक चेन बच गई है तीसरे नंबर वाली ट्रिपल क्रोशिया। अब इसमें हमें एक ट्रिपल क्रोशिया और बना लेना है, यानी बीच वाले पे चार बनाना है आपको और अगल बगल वाले में एक एक बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले पे हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, बीच वाले पे दो ट्रिपल क्रोशिया, तीन चेन दो ट्रिपल क्रोशिया, और फिर जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया ये वाली ब्लैक वाली, इसमें हमने एक बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे, उसके अगली वाली चेन पे फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पे हमने दो डबल क्रोशिया कर लिया, अब दो हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है, एक हाफ डबल क्रोशिया, अब अगली वाली चेन पे डालेंगे, यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, दो हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब जो ऑरेंज वाली है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, चिंकी इस तरह से देखिए दो कोने हमारे बन के रेडी हो गए, एक और ये दूसरा, ठीक है। अब तीसरा कोना के लिए देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया तो कर लिया, अब फिर से दो डबल हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, अगली वाली चेन पे डालेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके अगली वाली चेन पे फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, अगली वाली चेन पे डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे तीन ऑरेंज है सॉरी तीन ब्लैक है, तो यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, पहले वाले पे एक, दूसरे नंबर वाले पे चार और तीसरे वाले पे एक, तो पहले वाले पे एक बना लेते हैं, दो बार धागा लपेटते हुए आपको बनाना है, तो एक ट्रिपल क्रोशिया हो गई, दो बार धागा लपेटेंगे, फिर से बीच वाले पे आ गए, तो बीच वाले पे हमें दो बार बनाएंगे, पहले एक बार बनाया और ये दूसरा बार, ये तीसरा कोना बन रहा है, ठीक है, दो बार हो गया। अब यहाँ पे तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन, क्रोशिया पे दो बार धागा लेंगे, सेम जिसमें हमने दो बार बनाया उसी जगह पे फिर से आपको दो बार बना लेना है। दो हो गए। अब एक जो तीसरा नंबर का चेन बच गया यानी डबल क्रोशिया, उसमें हमें एक बार बनाना है, ओके, ये हमारा तीसरा कोना बनके रेडी हो गया। चौथा कोना के लिए हमें क्या करना है, अब फिर से देखिए, अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया अलग अलग चेन पे बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, उसकी अगली वाली चेन पे फिर से एक डबल क्रोशिया, अब उसके बाद दो हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, ऑरेंज वाले पे हम सिंगल क्रोशिया, ठीक है, यहाँ बन गई। अब यहाँ से फिर से हम ये हमारी बढ़ते हुए घटते में आ गए, ठीक है, अब घटते हुए बढ़ते में जाएंगे, अब यहाँ पे डालेंगे अब दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, अब दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया,
ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से तीन ब्लैक आ गई। इसमें हमें सबसे पहले वाले में एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, बीच वाले पे दो बनाएंगे हम, एक और ये दो। तीन चेन लेने के बाद फिर से दो उसी जगह पे बनाएंगे, एक दो और ये तीन चेन हो गई। जहां हमने दो बनाया इसी जगह पे आपको दो और बना लेने हैं, ठीक है। ये दो दूसरा नंबर वाला डबल क्रोशिया में हमारे ये काम हो गया। अब जो तीसरा नंबर बचा हुआ है इसमें हम एक फिर से ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास ये जो ट्रिपल क्रोशिया की लाइनें हैं छह बन के आएगी, एक दो तीन चार पांच और ये छह। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, उसकी अगली वाली चेन पे फिर से एक डबल क्रोशिया। अब दो चेन बच गई, इसमें हम दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया दूसरे वाले पे, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, क्योंकि शुरुआत में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया था, जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इस जगह पे डालेंगे और स्लिप करते हुए इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ये राउंड हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब अगले राउंड के लिए हमें क्या करना है, अब हर एक चेन पे डालते हुए हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो यहाँ पे हम दो चेन बना लेंगे, एक और दो, दो चेन हमारी पहली डबल क्रोशिया होगी। नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और इसे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया, उसके अगली वाली चेन पे फिर से डबल क्रोशिया। अब यहाँ से इस जगह तक एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे चेन पे। अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में एक घंटी आती है उसे भी दबा लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले मिले। इस तरह से करते हुए हो गई हमारी डबल क्रोशिया की लाइन। अब जो हमने यहाँ पे तीन चेन लिया हुआ था इसके बीच में भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। एक डबल क्रोशिया बनाया, अब यहाँ पे दो चेन लेंगे, एक और ये दो, क्रोशिया पे धागा लेंगे, इस जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब जितनी भी डबल क्रोशिया दिख रही है सभी में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, यानी सिंगल क्रोशिया डबल हाफ जो भी है सभी के ऊपर एक एक बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। इसके बाद यहाँ जो हमारी तीन चेन का जो गैप है इस जगह पे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन लेंगे, फिर इस जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सभी के ऊपर एक एक बनाना है जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से राउंड घुमाते हुए इसके बाद यहाँ ज्वाइंट करेंगे, धागे को कट कर लेंगे, फिर आगे दिखाती हूँ आपको कि क्या करना है। इस तरह से आपको दो पीस बना के रेडी कर लेना है, तो एक मैंने पहले बना के रखा हूँ, दूसरा आपको यहाँ तैयार करके दिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो हमने दो चेन बनाई थी, एक और ये दो, दूसरे नंबर वाली चेन पे हम इसे स्लिप करते हुए इसे ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी सिलाई करेंगे, चाहे तो आप क्रोशिया की मदद से इसकी सिलाई करें या फिर हम यहाँ पे इसे सुई की मदद से सिलाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लेंगे, पकड़ेंगे इसे, तो इस जगह से काउंट कर लेंगे, पहले एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठवां डबल क्रोशिया, ठीक है, इस जगह पे। यहाँ से भी काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये नौवां डबल क्रोशिया, नौ डबल क्रोशिया के पास हम यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से लेंगे, तो दूसरी साइड हमने चेन पे निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चेन का दो पार्ट है, तो बीच वाला लेंगे हम, इसे लेंगे और इसे, दोनों साइड की चेन को नहीं लेंगे हम, सिर्फ बीच का पार्ट को लेते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। और आपको इस तरह से सिलाई करते हुए यहाँ तक आना है, देखिए यहाँ से सिलाई करते हुए आएंगे, पूरा यहाँ तक आएंगे, इसके बाद यहाँ बंद कर देंगे। फिर आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर दें सिलाई, तो फिर दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। ये एक पार्ट आपको इस तरह से खुला छोड़ देना है, इस तरह से, और साइड से सिलाई करते हुए हम इधर से इधर आ जाएंगे यहाँ तक। तो इतना सिलाई कर लेती हूँ, सब बीच बीच में पकड़ते हुए आपको इस तरह से सिलाई करना है दोनों चेन को, ऐसे लिए और इस पार्ट को लेंगे और यहाँ पे से सिलाई करेंगे, फिर लेंगे इसे और इसे,
चलिए सिलाई कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी ये सिलाई हो गई है, बीच में हमारी पॉकेट जैसा बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे लेंगे, यहाँ हमने एक चेन छोड़ दी थी, ठीक है, तो इसी जगह पे चेन में ना डालते हुए जो बीच में खाली जगह है यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ से हम ऑरेंज कलर लेंगे, इस धागे को इधर कर देंगे ताकि ये पक्का हो जाए, ऐसे लिए। फिर इस धागे को इधर करेंगे, दो चेन हो गई, फिर इस धागे को इधर कर देंगे, तीन चेन हो गई। अब इस धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे छोटा वाला। अब जितनी भी चेन दिख रही सभी में हमें एक ही डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जितनी भी चेन दिख रही है इस तरह से बनाते हुए, बीच में जो हमने यहाँ पे सिलाई किया इस जगह पे भी हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इधर से डबल क्रोशिया करते हुए घूमते हुए आएंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया इस जगह पर आके इसे ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हमारी ये डबल क्रोशिया की लाइन कम्प्लीट हो गई। और जहाँ से हमने दो चेन लिया हुआ था यानी तीन चेन, एक दो तीन, तीसरे नंबर चेन पर जाएंगे और स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। फिर से लेंगे एक दो और ये तीन चेन, अगली वाली डबल क्रोशिया यानी कि अगली वाली चेन से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। और इस राउंड को भी हम डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। इसे आप चाहे तो दो या तीन ऊपर तक बना सकती हैं लाइनें जो डबल क्रोशिया की है। ठीक है, तो कर लेती हैं फिर दिखाती हूँ। अब देखिए इस तरह से एक डोरी बनाना है, तो डोरी किस तरह से बनाना है चलिए वो बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये हम यहाँ पे लेंगे इस तरह से तीन धागे वाली ऊन, जो भी आप जिससे भी बनाना चाहें, चाहे एक ही कलर से बना सकती है ऑरेंज वैसे ही आप, तो ऐसे लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन। तीन चेन बनाने के बाद क्रोशिया पे धागा लेंगे, फर्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया। सॉरी, एक डबल क्रोशिया हो गई, इसी चेन पे डालेंगे दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, तीन डबल क्रोशिया करने के बाद लेंगे एक दो और ये तीन चेन, फिर इसी जगह पे डालेंगे और स्लिप करते हुए इसे हम पहली चेन से निकाल लेंगे। फिर लेंगे हम एक दो चेन, दो चेन लेने के बाद हम इस जगह पे डालेंगे, क्या हुआ, एक डबल क्रोशिया। फिर डालेंगे इसी जगह पे दूसरा डबल क्रोशिया, यहाँ तीन डबल क्रोशिया हमने कर लिया यानी तीन डबल क्रोशिया करने के बाद तीन चेन लिया और इसी जगह पे इस तरह से स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद इस जगह पे हम एक चेन बनाते हैं, यहाँ पे हम सॉरी इसी जगह पे हम लेंगे और कलर चेंज करेंगे, ऑरेंज कलर लेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे ऑरेंज कलर लेते हुए टोटल हम 60 चेन बनाएंगे, ऐसे लेंगे हम, ऐसे लिए। ठीक है, इसे टाइट कर लेंगे। अब इस धागे को इधर कर लेते हैं, चेन बनाएंगे एक दो, इस तरह से करते हुए टोटल हमें 60 चेन बनाना है। ठीक है, 60 बना लेती हूँ, इसके बाद फिर से यही डिज़ाइन डालेंगे। तो किस तरह से पहले कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए 60 चेन कर लेने के बाद अब ये धागा यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे इसे इस तरह से। ठीक है, इसे ज्वाइंट कर लिए, इसे टाइट कर लेंगे, इसे थोड़ा सा टाइट करते हैं बाद में से। अब यहाँ पर लेंगे हम एक दो और ये तीन चेन, तीन चेन लेने के बाद क्रोशिया पे धागा लेंगे और जो फर्स्ट वाली हमारी यहाँ पे डबल क्रोश सॉरी चेन जो होगी इसमें डालते हुए फिर से हम उसी तरह से करेंगे जैसे मैंने उधर किया हुआ। तो एक डबल क्रोशिया हो गई, ठीक है, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन चेन, फिर इसी जगह पे डालेंगे स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमने दो चेन ले लिया और इस जगह पे डालते हुए हम तीन डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया और ये तीन डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे हम एक दो और ये तीन चेन लेंगे और इस जगह पे डालते हुए स्लिप करते हुए इसे हम इसे एक गांठ लगाते हुए ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस साइड भी हमारे देखिए इस तरह से बन गई, दूसरी साइड भी बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे धागे को अंदर की ओर करते हुए हम यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं।
अच्छा देखिए, एक इस दिशा में इस तरह से करेंगे, दो डोरी को हम इस दिशा में रखेंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे अंदर की ओर डालते हुए ऐसे करके लाना है ताकि दोनों का छोर एक ही दिशा में आए। और फिर जिस जिस जगह पे हम इस क्रोशिया में इस धागे को पिरोएंगे उसी जगह पे फिर से दूसरा धागा को पिरोते हुए इन दोनों का मुंह हम इस तरह से करते हुए दो का हम इधर रखेंगे और दो का इधर रखेंगे, ठीक है, ताकि इस तरह से खींचते हुए ये हमारी आपस में ये पोटली वाली बैग बन जाए। इस तरह से डाल लेती हूँ, सॉरी बाहर की आवाज़ के लिए। इस तरह से करते हुए देखिए हमारी पोटली बैग बन गई है। इस तरह से दोनों धागों को हम खींचेंगे तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगी कुछ इस तरह से। फिर इसे ऐसा फैला लेंगे जिस तरह से अंदर की साइड से मैंने इसे डोरी लगाया हुआ, बाहर के साइड से पता भी नहीं चलेगा। दोनों साइड के कलर आप दूसरे कलर से भी इस लटकन को बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।